तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मूला। जी हाँ, टेक्स्ट की जो फॉर्मूले होती है उस फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे आज का आपके पास। टेक्स्ट फॉर्मूला कि टेक्स्ट को कैसे क्लीन श्लीन करते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है चचल जी, आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं दी गई, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे इस सेशन को। थैंक अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट कैटेगरी में हम बढ़ेंगे फॉर्मूले में, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें। हम बात करते हैं सबसे पहले, हालांकि इसमें एक बार्टेक्स फॉर्मूला भी है, एक एरे टू टेक्स्ट भी है। तो एरे फॉर्मूला तो एरे का है तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। बार्टेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है क्योंकि वो नंबर को इसमें वर्ड में कन्वर्ट करता है। अगर आप बार्टेक्स फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए ये 152 बात हुआ। अब मैं इसको कैसे बोल रहा हूं, आप इसको गूगल ट्रांसलेटर में लेके चले जाएं और इसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करोगे ना, डिटेक्ट लैंग्वेज तो यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश कर दीजिए 152 बात। ठीक है, हिंदी में 152 दो बात। ठीक है, तो इंडिया में इसका यूज नहीं होता है तो फिलहाल इसको छोड़ दे। एक फॉर्मूला इसमें आता है कैर का, कैर फॉर्मूला एंड कोड फॉर्मूला। किसी भी करेक्टर को अगर आप कैर फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्लिक करते हैं, सॉरी कोड, मान माफ कीजिएगा, कोड फॉर्मूला इक्वल कोड फॉर्मूला देते हैं तो यहां देखिए कोड आ जाता है, आ गया कोड। उसके बाद इसमें इसी में अगर हम बात करते हैं कैर फॉर्मूला को, तो कैर इसको वापस कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, सॉरी म्यूट हो गया सर। तो यहाँ हम कोड फॉर्मूले से किसी करेक्टर की कोड पता करते हैं, कैर फॉर्मूले से वापस कैर करते हैं। आखिर इसका यूज क्या है हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब यहाँ मान लीजिए कि मैंने कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कोई नाम ही देता हूँ, मैंने लिख दिया सुजीत और बहुत सारा देखे हम यहाँ पे कर देते हैं कुमार, सुजीत कुमार, राइट। अब देखिए इसके बीच में बहुत सारे स्पेस है, या बहुत सारे स्पेस के साथ हम लिख देते हैं सुजीत, या सुजीत के बाद हम यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे देते हैं। मतलब कि आप किसी टेक्स्ट के बीच में अनवांटेड स्पेस दे देते हो, या पहले दे देते हो या बाद में दे देते हो, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है ट्रिम का। ट्रिम फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को क्या करता है, क्लीन करता है। तो ट्रिम फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को क्लीन करता है, राइट। ध्यान रखिएगा, ट्रिम फॉर्मूला स्पेस को डिलीट नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को डिलीट करता है, जो कि आप यहां देख पा रहे। अब इसी में मैं यहां पे कर देता हूं सुजीत और अल्ट, यहां पे सुजीत का अल्ट टैब प्रेस कर दिया और यहां पे कर दिया कुमार। अब अल्ट टैब किसका शॉर्टकट है, रैप टेक्स्ट का। किसका है, रैप टेक्स्ट का। ठीक है, तो जब इस पे हम ट्रिम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इस तरह से सुजीत कुमार कुछ इस तरह से आ जाता है। तो मैं चाहता हूं यहां पे ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं कि ये आपको क्लीन करे, क्योंकि इसे क्लीन नहीं किया। अगर आप लेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखेंगे कि एक करेक्टर ज्यादा होगा। और लेन फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू का लेंथ बताता है, जो कि यहाँ बताया। और यहां भी आप देख पा रहे हैं कि अरे लेंथ आपका निकल गया। ठीक है,
लेन फॉर्मूला स्पेस को कंसीडर करते हैं। हाँ जी हाँ, किया है ना, देखिए ना सुजी, यहाँ पे हर चीज को कंसीडर करता है, एनी टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे देखिए ऑल रैप टेक्स्ट को भी कंसीडर किया है, 12 आ रहा है, मैनुअली काउंट करें तो 11 हो गए, समझे। तो ट्रिम फॉर्मूले ने रैप टेक्स्ट वाली कैरेक्टर को रिमूव नहीं किया। अगर आपके पास एक्सपी होती विंडो एक्सपी, तो टी और के बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिखता, बट विंडो 11 10 में ये चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो प्रिंट में नहीं आते, बट होते हैं, बट प्रिंट में आते नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज को करने के लिए, हटाने के लिए हम क्लीन का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला सीखा आपने क्लीन का, तो क्लीन फॉर्मूला यूज करने से पहले जिसका ध्यान रखिएगा, ट्रीम और क्लीन इकट्ठा यूज कर सकते हैं, तो आपका डेटा पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, राइट मैम। तो अभी हमने क्या है, फॉर्मूला बार्टेक्स फॉर्मूला डिफरेंस क्या पढ़ा, है? हमने कोड पढ़ा, हमने कैर पढ़ा, हमने ट्रिम पढ़ा, हमने क्लीन पढ़ा और लेन पढ़ा, राइट। ट्रिम और क्लीन में डिफरेंस क्या है? ट्रिम फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, क्लीन फॉर्मूला नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिमूव करता है। जैसे कि यहाँ इसने रिमूव किया, अब लेन लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि सिर्फ 11 है, राइट। इसने रिमूव कर दिया ना, क्योंकि तो इसमें तो 12 था, तो एक कैरेक्टर जो नहीं दिख रहा था उसको भी यहाँ पे दिखा अंदर था, बट यहां पे इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहां पे अभी वापस इस पे आते हैं, उससे पहले एक नया फॉर्मूला सीख लेते हैं। मेरे पास कुछ लेटर्स हैं इस तरह से, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो डॉट है ना वो डैश बन जाए। तो मैं बात कर रहा हूं किसी भी करेक्ट सेल वैल्यू के अंदर किसी करेक्टर को अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करने, किसी अनोदर करेक्टर से, किसी भी करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करने, राइट। तो कैसे करें इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है सब्स्टिट्यूट। इसमें आपको देखिए कैसे देना है, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ओल्ड टेक्स्ट में आपको क्या करना है डॉट देना है, फिर न्यू टेक्स्ट में देना है आपको डैश, क्योंकि हम डैश करना चाहते हैं ना, एंटर प्रेस करते देखिए चेंज हो गया। अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर में एक था इंस्टेंस नंबर, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में, मैंने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर दी गई है इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है, क्या है ऑप्शनल, और रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल। अब मैं इसमें मान लीजिए 1 डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला डॉट है ना उसी को रिप्लेस करेगा, बाकी को नहीं करेगा। 2 डालेंगे और दूसरा डॉट, 3 आएगा तीसरा डॉट, मतलब सिक्वेंसली। अगर कुछ नहीं डालेंगे तो जितने भी डॉट्स होंगे सबको क्लियर कर देगा, सबको रिप्लेस कर देगा। आया समझ में बरखा जी, चर्चिल जी। सर, इसको फाइंड एंड रिप्लेस से भी तो यूज कर सकते हैं अगर ऐसी फाइंड कोई एंड सिचुएशन रिप्लेस, हो। मान लीजिए कि ऐसे आपके पास हजारों है, तो चलो आपने फाइंड एंड रिप्लेस से कर लिया, फिर वापस चेंज हुआ, वापस फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे तो हर बार करना पड़ेगा ना। अब इसमें तो जैसे कि अगर कुछ डल गया नंबर, अब एंटर प्रेस करते ही हो गया सेंस। देखिए एक्सेल के अंदर जो फीचर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इवेंट फीचर्स, मतलब ऐसा फीचर्स जो कि आप चेंज करेंगे तो वो अपने आप को ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, समझे। जैसे कि फॉर्मूला, जैसे यहां पे आप कर देंगे 20 और यहां पे कर देते हैं 30, राइट। तो एक हुआ कि आपने किसी ऑप्शन से इसको टोटल करवा के 50 यहां पे पेस्ट करवा दिया, तो 50 तो मैनुअल हो गया ना, इन फ्यूचर में 30 अगर 40 हो गया तो अगेन हमें वो फीचर यूज करने पड़ेंगे और इसको 60 करना पड़ेगा क्या,
लेकिन अगर इसी चीज को हम अगर फॉर्मूले इवेंट पहले पीछे से करते हैं तो जैसे ही चेंज होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा। उसी तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस से तो किया जा सकता है, लेकिन वो हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे। जब डेटा हमारा अपडेट होगा, चेंज होगा, एवरी टाइम उसका यूज करना पड़ेगा, राइट? बट इसमें जो है हमें जस्ट वन टाइम यूज करना है, सिर्फ वन टाइम। उसके बाद जैसे चेंज होगा अपने आप को चेंज कर लेगा। अब समझ में आया आपको मैम? हेलो। यस सर अब इसमें आगे का जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि मान लीजिए मुझे एक और फॉर्मूला रिप्लेस का ही है, उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रिप्लेस फॉर्मूला है। रिप्लेस फॉर्मूला भी सेम काम करता है कि किसी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस करता है, लेकिन इसमें हमें पोजीशन पता करता ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ बोला स्टार्ट नंबर, ठीक है ना? तो स्टार्ट नंबर हमने बोल दिया भाई तीसरा करेक्टर, इसे चौथा, चौथे करेक्टर से एक करेक्टर को रिप्लेस कर दो स्लैश, कर दिया। तो रिप्लेस फॉर्मूले में इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका करेक्टर क्या है। वो पोजीशन लेता है और करेक्टर काउंट कर लेता है कि हाँ इसको ऐसे से करना है। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास कुछ डेटा आया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कुमार एट द रेट मान लीजिए कुमार डॉट आईपीटी इंडिया डॉट कॉम, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे मोहन मोहन और यहाँ पे डैश जीमेल डॉट कॉम, ऐसे बहुत सारे करेक्टर है। तो समझ गए? तो यहाँ पे हमें क्या है कि जो डॉट है डैश है उसको कन्वर्ट करना है। अब एक करेक्टर होगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एच कर लेंगे, राइट? अगर दो करेक्टर, अगर अगर इसमें कोई फिक्स होगा तो हम सब्स्टिट्यूट लगा देंगे कोई डॉट वो करना, लेकिन ये फिक्स नहीं है। लेकिन इतना पता है कि 5 लेटर फर्स्ट होता है, उसके बाद डॉट आएगा या डैश आएगा या स्लैश आएगा। तो फर्स्ट जो है हमारा मोहन कुमार, ये 5 लेटर ही होता है, माने कि कोई भी ईमेल आईडी की आईडी बनती है तो मिनिमम मैक्सिमम 5 लीटर का ही बनता है, समझ गए? तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कंट्रोल एफ यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम रिप्लेस फॉर्मूला यूज करेंगे और बोलेंगे कि छठे नंबर से एक करेक्टर को एट द रेट कर दो। हो गया बरखा जी, समझ में आया आपको ये चीज? सब समझ आ गया, लेकिन अगर कॉलम ए में हमारी लिस्ट स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कि इसमें तो दोनों फर्स्ट हाफ जो है वो 5 लेटर्स के हैं, अगर वो 4 के हों या 5 से ज्यादा हों तो तो फिर उसके लिए कुछ और सोचना होगा ना, कुछ और देखना होगा, क्योंकि वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्म नहीं लग सकता ना। नहीं, देखिए बता देता हूँ, एज पर कंडी आपके एज पर कंडीशंस आपका फॉर्मूला चेंज होता है, राइट? समझ गया ना? तो कहने का मतलब ये है कि कोई कंडीशन होगा तभी हमारा ऑटोमेशन अप्लाई होगा, बात समझ रहे हैं ना? अब कंडीशन नहीं होगा तो कैसे होगा? जैसे आप एक एक गेट कीपर बन में गेट कीपर को या एक वॉचमैन को अगर गेट पे आप रखते हैं और किसको अंदर भेजना है किसको अंदर नहीं भेजना है, जब तक उसको कंडीशन नहीं देंगे कि भाई एम्प्लॉय ऑफिस एम्प्लॉय को भेजना है, विजिटर कार्ड वाले को भेजना है, 2-3 कंडीशन आपने दे दिया तो वॉचमैन इस कंडीशन को अकॉर्डिंग भेजेगा, समझ गए ना? तो सेम यहां भी होता है कि जब तक आपके आपके पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन डिसाइड नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब जो कोई कंडीशन ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं सुजीत कुमार, अब इसमें से फर्स्ट नेम अलग करना है तो कोई कंडीशन है? कोई
लेटर काउंट नहीं है, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं है, कोई सेपरेटर नहीं है, तो हाउ कैन आप इसको सेपरेट करोगे? आप मैनुअली भी करने जाओगे तो बहुत सारी जगहों पे गलती कर जाओ, जो नाम फर्स्ट टाइम सुने होंगे, अगर सुजीत कुमार सुने होंगे तो पता है सुजीत कुमार अलग हो जाएगा है? अब बहुत सारे नाम जो आपने सुना ही नहीं है, साउथ इंडियन नेम है, चाहे बाहर विदेशों के नेम है, सुने ही नहीं होंगे, तो हाउ कैन सेपरेट? आप खुद भी कर पाएंगे ना मैनुअल भी? तो सेम उसी तरह से आपको यहां, अगर मान लीजिए कि अगर लेटर काउंट अलग अलग होता तो उसमें उसके बीच में जो डॉट है या डैश है वो फिक्स होगा ना, दो या तीन या चार होगा, तो हम यहाँ पे बारी बारी से कर देंगे, सब छूट हुआ लगा देंगे कि पहले डॉट को रिप्लेस करो, अगर डॉट नहीं है तो फिर डैश को करो, डैश नहीं तो फिर इसको करो, तो चार सब छूट हुआ में लगा देंगे, समझे? Yes, यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगा कि सब्स्टिट्यूट में हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला डॉट डैश जो है वो क्या हो जाए, एट द रेट हो जाए, ठीक है? उसके बाद फिर इसको अगेन सब्स्टिट्यूट के अंदर में रखेंगे और बोलेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अगर डॉट हुआ तो एट द रेट कर दे, हो गया मैम, समझे? यस सर। अब चार होगा तो चार सब्स्टिट्यूट लगेगा, पांच है तो पांच लगेगा, अगर बहुत ज्यादा लिस्ट है तो उसकी एक लिस्ट यहां बनाएंगे, तेल लुकअप कर ले, वी लुकअप लगा लेंगे, ठीक है? Yes. तो conditions पे, आपकी इनपुट पे आपका आउटपुट मतलब कंडीशन चेंज होता है, क्या डेटा है? अच्छा बैक टू टॉपिक आते हैं, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे इसका क्लीन का फॉर्मूला लगाया था, ट्रिम का फॉर्मूला लगाया था, तो समझ में आ गया, लेकिन जब हमने ट्रिम लगाया तो यहाँ पे सुजीत कुमार या क्लीन लगाया तो यहाँ पे आ गए सुजीत कुमार, लेकिन मुझे यहाँ पे अनवांटेड जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो रैप टेक्स्ट है उसको डिलीट नहीं करना है, उसको डैश में कन्वर्ट करना है ताकि सुजीत कुमार जैसे ऊपर लिखा हुआ इस तरह से आ जाए, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जबकि रैप टेक्स्ट को स्पेस से रिप्लेस करने की, तो कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कैसे? क्योंकि जैसे आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, पूछेगा ओल्ड टेक्स्ट किसको रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ ऑल्ट एंटर मारते कर से नीचे आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या रखा जी गलत हो जाएगा ना? Yes, sir. इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हम ऊपर बात करेंगे कोड एंड कैर को लेके, मतलब किसी एक सेल पे डबल क्लिक करके मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करके करेक्टर डाल दूंगा, डाल दिया ना मैम, दिख रहा है ना? अब मैं कोड फॉर्मूला लगाता हूं और बता करता हूं कि इस कैरेक्टर का कोड क्या है, इस कैरेक्टर का कोड है 10, मतलब कि अगर मैं कैर फॉर्मूला लगाया तो सेम कैरेक्टर आएगा, दोनों को बराबर करके भी चेक कर सकते हैं, तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा और सुजीत कुमार को सेलेक्ट किया, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हम कैर 10 डाल देंगे और न्यू टेक्स्ट हमारा स्पेस तो है ही, राइट? एंटर मारिए, आ गया सुजीत कुमार। चर्चिल जी आपको समझ में आ रहा है ना? हेलो चर्चिल जी, चर्चिल म्यूट है लगता है, आपको समझ में आया बरखा जी? यस सर। ओके, अब चलिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले उसको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मैंने अगर नाम लिखता हूं स्मॉल में, मुझे अपर में कन्वर्ट करना है, अपर का फॉर्मूला है, अगर अपर में है लोअर में कन्वर्ट करना है तो लोअर का फॉर्मूला है, अगर प्रॉपर में करना है फर्स्ट लेटर को बड़ा करना है तो प्रॉपर का फॉर्मूला है, हम प्रॉपर कर सकते, तो प्रॉपर से फर्स्ट लेटर कोई नहीं, ये आपका सुजीत, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सुजीत कुमार, तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दे,
अब बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे ज्वाइन की। जैसे सुजीत और कुमार यहाँ दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम बात कॉनकेटेनेट फॉर्मूला यूज करते हैं ना। सर। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा स्पेस देते हैं, अगर चाहिए तो सेपरेटर आ गया, ठीक है। अदरवाइज हम एन परसेंट भी यूज कर सकते हैं, किसको सेलेक्ट किया, एन परसेंट स्पेस अगेन एन परसेंट, एंड कुमार को यूज कर लिया, सुजीत कुमार आ गया। लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, जैसे कि हम डेट लिख रहे हैं, मैंने 1 जनवरी की डेट और आज की डेट डाल दी। अब मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न चाहिए कि फ्रॉम 1 जनवरी टू आज की डेट, इस तरह के कुछ मैसेज देना है, सुजीत कुमार फ्रॉम वर्क फ्रॉम फला फला, इस तरह से लिखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा वर्क फ्रॉम स्पेस दिया और फिर हमने एन परसेंट या कॉनकेटेनेट जो लगाना चाहते लगाया, फिर एन परसेंट हमने यहाँ पे स्पेस और टू अगेन स्पेस दिया और फिर डेट को सेलेक्ट किया, तो एज पर रूल आ जाना चाहिए ना डेट लिखा हुआ कि वर्क फ्रॉम 1 जनवरी टू 9 जून क्या। लेकिन ये नंबर में ऐसा इसलिए क्योंकि डेट जो है ना दिख रहा है आपका डेट, बट एक्चुअल में है तो नंबर। जब इसको जनरल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, ऊपर देखिए जनरल फॉर्मेट क्या है, अप्लाई करेंगे तो एक तरह का डेट ही है, नंबर्स ही है, तो मुझे इसको कैसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो कस्टम फॉर्मेटिंग वाली मेथड मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद करनी होगी और यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। तो डेट को हमने टेक्स्ट फॉर्मूले में और टेक्स्ट फॉर्मूले में जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में इसको डाल देंगे, दोनों डेट को, तब जाके होगा। तो ध्यान रखिएगा डेट एंड टाइम, सॉरी इसको हमने क्लोज नहीं किया, डेट एंड टाइम जब भी आप कॉन्केट करो तो इसका ध्यान रखो कि अगर सेम फॉर्मेट चाहिए तो आपको टेक्स्ट फॉर्मूला में उसके फॉर्मेटेड डिसाइड करने होंगे। ओके बरका जी, यस सर। सर इसको एक बारी कंकैटिनेट से भी बताना, क्या कंकैटिनेट फॉर्मूला से भी हाँ कॉन्केट बताना। फॉर्मूला लगा चाहे फॉर्मूला लगा, ये दोनों में सेम प्रॉब्लम है। हमने हाँ आपको यहाँ प्रॉब्लम तो बताया ना कि समझ आप गई। कॉन्केट से भी कर सकते हैं और आप कॉन्केटनेट से भी कर सकते हैं और आप यहाँ आपका एन परसेंट से भी कर सकते हैं, तो ये एक वाला सर प्रॉब्लम मैंने होगा। फर्स्ट टाइम देखा है, मेरे को नहीं पता ये वाला फॉर्मूला क्या है, एंड परसेंट। हाँ, एन परसेंट का साइन होता है, उस साइन पे भी कर, जैसे होता है ना कि आप दो वैल्यू को प्लस करना है तो आप प्लस का सिंबल यूज करते हैं ना, आप दोनों को ज्वाइन करना है तो एन परसेंट का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है समझे। तो ये तो अलग चीज है, लेकिन यहां जो मैंने बताया आपको कि जब आप कॉनकेटेनेट यूज करेंगे, ज्वाइन करते हैं किसी भी मीडियम से ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपका डेट है तो आपका यहाँ पे डेट जो है ये आपका नॉर्मल आया, यहां तक कि वीलुक का भी कोई भी फॉर्मूला लगा के डेट को शो करते हैं तो एज ए डेट शो नहीं होगा, वो एज ए नंबर ही शो होगा। अगर आपको एज ए डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो अगर सिर्फ डेट लुकअप हुआ तो फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं आप, लेकिन ये तो टेक्स्ट के साथ आया हुआ है, यहाँ तो फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता ना, तो आपको टेक्स्ट के जरिए टेक्स्ट फॉर्मूले के जरिए फॉर्मूले के अंदर ही अपनी फॉर्मेट को चेंज करना है। ओके यस समझ में आ गया। यस कोई क्लिक डाउट इसमें नहीं सर। नहीं होने चाहिए, थैंक यू। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब मेरे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है, मेरे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है, अब मुझे इसको इकट्ठा ज्वाइन करना है, तो यहां मेरे पास एक कॉनकेट का फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कॉनकेट फॉर्मूला कॉनकेटानेट नहीं है, कॉनकेटानेट में आपको वन बाय वन सेल रेफरेंस देना होता है, या एन परसेंट लगाए या कॉनकेटानेट लगाए, क्या करना पड़ेगा
वन बाय वन इसको ग्रेडिएंट लगाते हैं, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए कॉमा, इसको कीजिए कॉमा, इसको कीजिए कॉमा, एक साथ पूरा रेफरेंस नहीं लेता है इस तरह से, ठीक है। इसलिए कॉनकेट का फॉर्मूला आया ये आपके लेटेस्ट एक्सेल के अंदर, जिसे एक रेंज को सिलेक्ट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट सेपरेटर नहीं देता है। सेपरेटर चाहिए तो उसके लिए लगाना पड़ेगा टेक्स्ट ज्वाइन का, यहाँ पे कॉमा फॉर डिलिमिनेशन और एक ट्रू कर देते हैं, ब्लैंक ट्रू और रेंज दे देते, तो दोनों के बीच में कॉमा लगा के सेपरेट कर देगा टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्म। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा हो गया तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उतना ही पढ़े जितना प्रैक्टिस कर पाइएगा। क्लियर है? अब देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा आपके सामने कोड कै सब्स्टिट्यूट का, ट्रिम और क्लीन का फॉर्मूला पढ़ा हमने, आप यहाँ कैर कोड के बारे में बताया, उसके बाद फिर हमने अपर लोअर मिडल के फॉर्मूले पढ़े, उसके बाद हमने सेपरेशन के सॉरी ज्वाइन करने के लिए फॉर्मूला पढ़े, चार पांच फॉर्मूले उसके पढ़े। अब बात करते हैं सेपरेशन, तो ज्वाइन करना तो सीख गए, अब सेपरेट करना भी सीखना होगा ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि सुजीत और कुमार दिया हुआ, मुझे इसको सेपरेट करना, तो यहाँ हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। लेफ्ट के फॉर्मूले में हम बोलते हैं कि भाई यहां से तुम छह लेटर अलग कर, अलग हो गया। फिर अगर मैं राइट का फॉर्मूला लगाता हूं तो यहां से राइट अलग कर देता है, या पांच अलग कर देता, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सुजीत कुमार सिंह लिख गया तो यहां सिंह अलग हो गया राइट से, लेकिन मुझे मिड का कुमार भी अलग करना है, तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे हम मिड का फॉर्मूला, मिड बीच का फॉर्मूला। अब बताना पड़ेगा आपको कि आपका मिड स्टार्ट कहां से है, तो सुजीत छह है, सात स्पेस है, आठवें नंबर से है, और पांच कैरेक्टर लेना है कि कुमार हमारा पांच कैरेक्टर है, तो ये आपको अलग कर दिया लेफ्ट मिड एंड राइट का फॉर्मूला। अब इसमें एक दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया कुमार @ipt.com, अब मुझे इसमें आईडी को अलग करना है और साइट को अलग करना है, ठीक है, आईडी अलग करना है और वेबसाइट को अलग करना है, तो कैसे करें, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊं और बोलो पांच से अलग करो तो कुमार तो आ ही जा रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कुमार होगा, ये सुजीत कुमार डॉट आईपीटी भी हो सकता है क्या, या आईपीटी इंडिया भी हो सकता है, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूं कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जो हर फॉर्मूले को एज के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग कर, उसके लिए हमें फाइंड या सर्च का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाने का तरीका दोनों सेम है, ये क्या करेगा फाइंड एंड सर्च फॉर्मूला, मैंने क्या बोला फाइंड कहा क्या फाइंड करना है, तो एट द रेट किस में, तो भाई B36 मैंने करना है, और कहां से करना है तो पहले नंबर करेक्टर से करना है, तो इसने बता दिया कि एट द रेट करेक्टर जो है वो इस सेल के अंदर कितने करेक्टर के कितने करेक्टर पे है, पोजीशन क्या है नंबर करेक्टर, तो सिक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि फाइंड के रिजल्ट को ले रहा हूं और यहाँ फाइव के जगह पे इसको डाल के -1 कर देता, क्योंकि फाइंड ने जो फॉर्मूला दिया वो एट द रेट तक का दिया ना, मुझे एट द रेट से पहले को निकालना है ना, रिजल्ट आ गया कुमार। अब मैं कुमार के जगह पे सुजीत कुमार भी कर दू ना, फिर भी मेरा सुजीत कुमार ही अलग करेगा, क्योंकि जैसे सुजीत कुमार होगा वो 12 दे दिया, और फिर फाइन ने क्या किया 12 से एक कम अलग कर, लेफ्ट ने क्या किया 12 से एक कम कर लिया, और लास्ट का निकालना है तो हमारे पास राइट का फॉर्मूला है, राइट हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर हमने यहां पे बताया कि लेंथ, मतलब इसकी जो पूरी लेंथ है उसमें से जो 12 माइनस कर दीजिए, जो 12 है, जो 12 दिख रहा है ना, इस 12 को माइनस कर दीजिए, आपका आईपीटी इंडिया आएगा। अब -12 कर लीजिए या फिर फाइंड का फॉर्मूला माइनस कर लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। अब नीचे जितने भी नेम होंगे आप ड्रैग करेंगे उस हिसाब से आईडीओ साइट को एट द रेट हिसाब से दोनों को सेपरेट कर देगा, समझे?
प्रखा जी, चचल जी, समझ में आया? यस सर। विदाउट? नहीं सर। तो हमने कई सारे फॉर्मूले बनाए हैं आपको, आप यहाँ पे फॉर्मूले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मूले कराए। अब सेकेंड फॉर्मूला जो आता है एडवांस टेक्स्ट फॉर्मूला, तो एडवांस टेक्स्ट फॉर्मूला आपको हम कल क्लास में कराएंगे, फिलहाल आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है? कल की क्लास में हम आपको एडवांस टेक्स्ट फॉर्मूला कराएंगे। और